फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए मटन का एक बेहतरीन हिस्सा, जो बहुत ही अच्छा बनता है और इसमें बहुत ही ताकत वगैरह भी होती है, और जो बीमार होते हैं उनको ये बोला जाता है खाने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और ताकत होती है। तो इसके लिए हमने कर लिया मसाला तैयार, और हम अब जा रहे हैं मसाले को मिक्सी में पीसने के लिए। और हमने इस तरह प्याज भी चढ़ा रखा है जलने के लिए तेल डाल के। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप लोग जिस तेल में बनाते हैं उस तेल में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मेरी हो चुकी है मसाला तैयार, तो अब मैं दिखाते हैं कुछ तरह से। इस तरह से मसाला है, पर इसमें हल्दी और मिर्ची नहीं है। अभी हम डालेंगे प्याज में, हमारा पूरा भुन के लाल हो चुका है काफ़ी। और प्याज को हमेशा लाल रंग में ही भूजें। इसको लाल रंग में भूजने से मीट का कलर भी लाल आता है और बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। तो इसमें हम एक एक करके सारे पीसेस रख देंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। और सारे पीसेस रखने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे यानी मिला देंगे कि प्याज और तेल में सब इसमें सब मिक्स हो जाए। तो हम इसको चलाने के बाद हम इसको बार बार नहीं चलाएंगे, इसको ढक ढक के चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से भुने। और हम इसको ऐसे चला दिया है, और हम इसको ढक देंगे। इस तरफ कर लेंगे हम मसाला तैयार। मसाले में हमने रख लिया है हल्दी और मिर्ची पाउडर। तो मेरा मीट भी बन के हो चुकी है, मतलब भुन के हो चुकी है तैयार, वैसे बिना मसालेदार वाला। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाला। मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक ये बिल्कुल लाल ना हो जाए और ये तेल अलग ना छूट जाए, मतलब तेल छूटने लगता है अलग ही। तो जब तक हम इसको भुनेंगे, इसको ढक ढक के भुनेंगे ताकि इसकी खुशबू ना उड़े। तो हम अब इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए और चला के देखते हैं थोड़ी देर के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर के बाद हमने इस तरह से भून के लाल कर लिया है बिल्कुल, और आप देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा तेल भी छूटने लगा है। तो अब इस हमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं तो कम नमक खाती हूँ, इसलिए मैं कम ही नमक डालती हूँ। आप लोगों को ज़्यादा खाना है तो अपने स्वाद के अनुसार ही आप नमक डालिएगा। तो इस ये काफ़ी भून के हो चुकी तैयार, फिर भी अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा और भुना जाएगा ये। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरा भुनने के बाद कुछ इस तरह से कलर आए हैं और तेल भी काफ़ी ज़्यादा छूटने लगा और बिल्कुल लाल हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी उतना डालिए जितना आपको रस रखना है। कोई बिना रस के भी खाते हैं बहुत लोग, तो आप बिना रस के लिए थोड़ा सा पानी डालिएगा जिसमें ये बन के तैयार हो जाए। तो मुझे जितना पानी चाहिए था मैंने उतना पानी इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको कुकर का ढक्कन अच्छे से मिला के इसको कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसको अच्छे से मिल जाए, मसाले वसाले आसपास के लगा हुआ। और इस तरह से मैंने इतने पानी इसमें डाल दिया है मैंने, और अब हम इसको कर देंगे बंद। तो बंद करने के बाद फ्रेंड्स, इसमें हम लगाएंगे 7 सीटी, और हम उसके बाद देखते हैं कि हमारा बन के कैसे तैयार होता है और टेस्टी कैसे लगता है। तो हमारा बन के हो चुका है तैयार मटन, और आप देखिए मटन का कुछ इस तरह से कलर आया है। तो हे फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का आज का मटन रेसिपी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।